फिर मारेंगे ना, डेली डेली सब पिटा जाता है, मना करते हैं कि चुपचाप रहिए लेकिन सुनबे नहीं करता है सब। कल हो मारे थे ना, यही बैच में था और फिर वही बदमाशी कर रहे हो आप साइलेंटली। देखो चुपचाप याद कीजिए कि इससे पहले आप क्लास 8 में भी पढ़े हैं जीवन की मतलब कोशिका के बारे में, और उसमें कुछ कोशिका का आपका आइडिया है कि कोशिका क्या होता है, और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जीवन की मौलिक इकाई। देखो मौलिक का मतलब फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल उसको बोला जाता है जो उस अगर मान के चलिए हम सजीव हैं तो सजीव की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जो हर एक काम के लिए जिम्मेवार होता है उसको हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मशीन ले लीजिए, मशीन का जो सबसे छोटी छोटी पार्ट होता है जिसे मिल कर करके बना हुआ होता है उसको फंडामेंटल बोलते हैं। जैसे दीवार आप देखिए, दीवार में आप देखिएगा तो ये सबसे छोटी छोटी चीज़ों से मिल करके बनी हुई है, जैसे ईंट हो गया, सीमेंट बालू हो गया, तो ये सारे चीज़ क्या होते हैं इसका फंडामेंटल कहलाता है, यानी कि मौलिक कहलाता है। मौलिक मैंने मेन जैसे मौलिक अधिकार होता है ना, शिक्षा का मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार मैंने जो तुम्हारा राइट है उसको मौलिक बोला जाता है। तो जो जीवन की मौलिक इकाई है उसी मौलिक इकाई के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और जीवन की जो मौलिक इकाई होती है उस मौलिक इकाई को बोला जाता है कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई है और इसी कोशिका से आपको सारा काम संपन्न होता है। अब ये अलग बात है कि कोशिकाओं के मिलने से उत्तक का निर्माण हो जाता है, उत्तकों के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है। नॉर्मल बात है, हमको मेरा माइक का खुल गया, ठीक है। ये क्या है आपका कोशिका है, तो आपको ये चीज़ जाननी चाहिए। थोड़ी सी हम बात बतलाते हैं कि जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, वो होता है कोशिका। कोशिका और कोशिका से थोड़ा सा ऊपर चले जाइए तो फिर आपको मिलेगा उत्तक, टिश्यू। इससे ऊपर चले जाइए तो बहुत सारा जब टिश्यू आपस में मिल जाता है तब निर्माण होता है अंग का, ठीक है। अंग अंग बोलिए, अंग तंत्र बोलिए, अंग। और अंग जब मिल जाता है तब फिर हमारा बॉडी का निर्माण होता है, तब जाकर के क्या बनता है, शरीर बनता है। शरीर समझ में आ रही बात, तो जिससे हमारा शरीर मिलकर के बना है उसी चीज को तो क्या बोला जाता है, फंडामेंटल बोलते हैं। तो हमारा शरीर किससे बना है, कोशिका से, तो इसी कोशिका को बोलते हैं मौलिक इकाई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मौलिक इकाई, मौलिक इकाई। समझ में आ रही बात, मौलिक इकाई क्या है। जैसे मोबाइल, मोबाइल को आप मोबाइल में से सिम को निकाल दीजिए, काम करेगा वो, खिलौना हो जाएगा। तो वो जो सिम होता है ना, इसका हार्ट होता है, बिना सिम का बात ही नहीं कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो सिम भी इसका क्या है, मौलिक इकाई है। तो बैटरी हटा दीजिए, ऑपरेट ही नहीं होगा मोबाइल, तो नहीं होगा तो बैटरी इसका क्या कहलाएगा, एकदम मौलिक इकाई कहलाएगा। जैसे दीवार, दीवार में से एक एक ईंट को आप हटा दीजिए, दीवार खड़ी रहेगी, गिर जाएगा, यानी कि दीवार का मौलिक इकाई क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। अब कोई पूछे तो ईट की मौलिक इकाई क्या होगी, तो ईट जिससे मिलकर के बना हुआ होगा वही उसका मौलिक इकाई हो जाएगा। तो यहाँ पास हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जीवन, जीवन मैंने लाइफ, यानी हमारा शरीर। तो हमारा शरीर बना हुआ है जिससे, वही ना हमारा मौलिक इकाई होगी, तो वो मौलिक इकाई कोशिका होती है। और कोशिका जिससे बनता है वो रियली निर्जीव होता है, यानी जैव अणु होता है। किससे मिलकर के बनते हैं, जैव अणु, जैव अणु से बनता है कोशिका। और जैव अणु आपको पता होना चाहिए कि निर्जीव होते हैं, निर्जीव यानी कि निर्जीव से आपका क्या बन गया, कोशिका। और कोशिका आपका सजीव होता है, सजीव, ठीक है। कोशिका आपका सजीव और जैव अणु आपका निर्जीव, और जैव अणु से निर्माण होता है सजीव का, यानी कि निर्जीव से निर्माण हो गया सजीव, और सजीव से फिर आगे ये शरीर। अब यही शरीर आपका बन करके तैयार। अब यहाँ पर समझिए कि कोशिका क्या चीज होती है, ठीक है, कोशिका क्या चीज है। देखिए
अगर हम बात करते हैं अब कोशिका की, तो कोशिका, देखो कोशिका जो होती है शरीर का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, और सबसे सूक्ष्मतम इकाई, सबसे छोटी इकाई, और वो आपका कोशिका। कोशिका का कोई नियमित आकार नहीं होता है, कोशिका का कोई नियमित आकार नहीं होता है, ये आपका अनियमित आकार का होता है। दूसरी बात, अनियमित आकार, आकार। अब एक चीज और कि कोशिका सबसे छोटी इकाई है, लेकिन कोशिकाओं को भी तो अगर तोड़ोगे उसको, तो उसके अंदर में भी आपको बहुत सारे कोशिकांग मिलेंगे। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास आपका एक कोशिका का एक हम आकृति ऐसा बना देते हैं, कैसा भी आप आकृति बनाइए कोशिका हो गई, ठीक है। और इस कोशिका के अंदर में जाइए ना, तो बहुत सारा आपको लिक्विड या इसके अंदर में बहुत सारा जालीनुमा पदार्थ मिलेगा, और ये सब तैरता हुआ रहेगा। जैसे मान के चलिए कि इसके अंदर में बहुत सारा है, इस तरह से अंग है। लोग मारेंगे तो मेकअप खराब हो जाएगा। अरे ये सब बांदर सियार। देखिए अगर हम बात करें, सुनिए इधर कि ये वाला बात यहाँ देखिएगा, तो इसके अंदर में ये सारे जो चीज होते हैं ना, इसको बोला जाता है कोशिकांग, कोशिकांग, ठीक है, इसको बोलेंगे कोशिकांग। और ये जो आकृति है ये कोशिका का, फिर बक रहा है, कोशिका, ठीक है। आप देखिए यहां तक तो आप क्लियर हो चुके हैं कि कोशिका क्या है, मतलब कि कोशिकांग अथी जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं, वो कोशिका है। लेकिन अब आइए इसके इतिहास पर चर्चा कर लेते हैं। कि ये वाला बात तो आपको रेडीमेड मिल गया, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके बारे में पहली बार चर्चा किया होगा, पहली बार चर्चा किया होगा, आपको पता होना चाहिए। हाँ, और देखो पढ़ाई करते खूनी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो पीछे से डिस्टर्ब मार देंगे तो फिर समझ लो। अरे 1 घंटा पढ़ना ही है और नौटंकी कर रहा है, पढ़ाई के बाद जो मस्ती करना होगा कर लेना जाके, लेकिन पढ़ाई के समय कोई एक्सक्यूज नहीं। तो आप यहाँ पास देखिए कि इतना चीज आपने सीखा, और ये भी जाना कि जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो कोशिका का कौन न कौन तो खोजने वाला होगा ना, जो पहली बार देखा होगा। अब ये भी बात सही है कि कोशिका कहीं भुलाल नहीं होगा कि लोग अगर खोज करके लान करके बैठा दिया होगा, यानी कि इसको पहली बार देखने वाला व्यक्ति जो था वो था रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा कि इसका जनक अगर देखा जाए, यानी कोशिका के बारे में सबसे पहले बार बताने वाला व्यक्ति था, तो वो क्या था, हाँ, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ये ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार कोशिका को देखा था, और वो भी आपका शरीर का कोशिका को नहीं देखे थे, एक कॉर्क, कॉर्क की कोशिका को देखे थे। उसके बाद फिर जो प्याज की झिल्ली होती है उसकी कोशिका को देखे थे, और इन्होंने देखा तो 1665 में, 1665 ईस्वी में, मैंने आज से सोच लीजिए कितना, लगभग 400-500 साल पहले की बात है। तो उस समय इन्होंने कोशिका के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन याद कीजिए आप भी, जब कोई भी चीज़ पहली बार होता है तो उतना सटीक नहीं होता है जितना आज के डेट में कोशिका के लोग को जानकारी है। नहीं, अब पहली बार खाना खाइए ना, जब बचपन में, तो यहाँ मुंह में डालने के बजाय नाक में घुसेड़ देता है छोटकन बचपन, फिर वही धीरे धीरे याद करो कि नींदों में अगर तू डालोगे, आँखों मूंद के डालोगे ना, तो मुंह में जाएगा, इतना हैबिट हो जाता है। कानू कुछ कर ले, अगर ऐसे भी जितना इतना स्प्रे ऐसे ही मारेगा तो मुँह में जाएगा, मुंह में उंगली नहीं डालेगा, यहीं से मारेगा तो मुँह में जाएगा, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। तो यहाँ पास आप देखोगे ना, तो जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार देखा था तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि थी, समझ में आ रही बात। और इस समय एक चीज़ और था कि ये इतना सूक्ष्म होता है कि इसको हम लोग नाग नाक से नहीं देख सकते हैं, तो इसको देखने के लिए रॉबर्ट हुक ने स्वयं का सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था, यानी स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था रॉबर्ट हुक ने किसको, कोशिका को। और इन्होंने उसका नाम दिया था सेल,
सेल, और सेल का मतलब होता है छोटा कमरा, क्या होता है छोटा कमरा, और इसी का जब हिंदी में अनुवाद किया गया तो इसका अर्थ हो गया कोशिका, कोशिका, समझ रहे बात, इसको क्या बोल दिया गया कोशिका। और फिर उसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद फिर एक साइंटिस्ट और आए थे लीवेनहॉक, सुनिए दूसरा बार देखने वाला व्यक्ति कौन थे, ल्यूवेन, ल्यूवेन हक, इन्होंने सबसे पहली बार उन्नत सूक्ष्मदर्शी से देखा, उन्नत उन्नत सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म दर्शी, ठीक है, मतलब कि जो अच्छा कैटेगरी का था उस सूक्ष्मदर्शी से किसने किसने देखा था, लीवेनहॉक ने। इसके बाद फिर और भी साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट ब्राउन आए थे, पुरकिंजे आए थे, पुरकिंजे वगैरह जो कोशिका द्रव का खोज करने वाला व्यक्ति पुरकिंजे, तो इन इन लोगों ने आकर के अपना योगदान दिया था, याद रखिएगा। कि इसके अलावा इसमें तीन साइंटिस्ट और आएंगे, दो साइंटिस्ट, एक आ जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, और एक और आएंगे, और वो आएंगे हाँ पुरकिंजे, पुरकिंजे किंजे या किंजे पुरकिंजे, ठीक है, ये आपका चार साइंटिस्ट इसमें आएंगे। अब हम लोग आते हैं कि कोशिका के बारे में, देखिए हर एक जीव के बारे में आप सोचिएगा तो हर एक जीव का बनावट एक जैसा नहीं है, है मनुष्य, मनुष्य के शरीर का बनावट आप जानवर से तुलना नहीं कर सकते हैं, या जानवर के शरीर की बनावट आप पेड़ पौधों से तुलना नहीं कर सकते हैं, या ढेर सारा ऐसा जीव है जिसके शरीर की तुलना आप हम लोग से नहीं कर सकते, पक्षी के शरीर हम लोग से कर दोगे, अंडा कर दोगे, अंडा की तुलना हम लोग के शरीर से नहीं होगा। तो अब बताइए ना कि अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग कोशिका को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं, तो कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है, कोशिका आपको दो तरह का, आप कोशिका को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक कोशिका होता है जिसको बोला जाता है प्रोकैरियोटी, प्रोकैरियोटी कोशिका, ठीक है, और दूसरा होता है यूकैरियोटी, यूकैरियोटी कोशिका, ठीक है। देखिए कोशिका को आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, सबसे सूक्ष्म कोशिका होती है, सबसे बड़ा कोशिका की जो आकार होती है हम बता देते हैं, तो 0.01 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से लेकर करके 10 माइक्रोमीटर तक, 10 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर काहे बदमाशी कर रहे हैं, उधर सटल जा रही है, माइक्रोमीटर तक। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि हमारे शरीर में एक ऐसी कोशिकाएं हैं जो माइक्रोमीटर में नहीं बल्कि मीटर में होता है, हमारे शरीर का जो तंत्रिका कोशिका है वो कोशिका आपका 1 मीटर लंबा होता है, लगभग उसकी लंबाई क्या होती है 1 मीटर, तो अपवाद तो हर चीज में होता है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, जो तंत्रिका होता है, तंत्रिका तंत्रिका कोशिका इसकी लंबाई बहुत होती है, लगभग 1 मीटर, लगभग हाँ 1 मीटर, 1 मीटर लंबा होता है आपका क्या चीज, तंत्रिका कोशिका, लगभग 1 मीटर होती है। अब एक चीज और समझिए कि अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इतना छोटा बड़ा है कोशिका की लंबाई यानी साइज, तो कुछ कोशिकाएं ऐसे होती है या कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही को कोशिका के बनल होता है, लेकिन कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, तो वैसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर के बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, और जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उसको बहु कोशिकीय, जैसे हम लोग बताइए तो
क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, क्योंकि हम लोग में अगर देखा जाए तो अरबों खरब की संख्या में कोशिका है, और जबकि एक आप देखिए अमीबा, अमीबा जीव है, अमीबा की जो कोशिका होती है एक ही वो कोशिकीय होता है, तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, तो हम लोग जीव को दो भागों में बांट सकते हैं, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग सीख लेते हैं प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। देखिए प्रोकैरियोटी का मतलब होता है कि जिस कोशिका का विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, कोशिका है तो इसके अंदर में केंद्रक भी होता है, तो वैसी कोशिकाएं जिसके अंदर में केंद्रक नहीं होता है उसको हम लोग प्रोकैरियोटी बोलते हैं। और यूकैरियोटी कोशिका का मतलब आप समझिए विकसित कोशिका, विकसित कोशिका, और विकसित कोशिका उसी को ना बोला जाता है जिसमें हर एक विकसित कोशिका हर एक तरह के सुविधा उपलब्ध हो, और आप विकसित कोशिका इसको बोलेंगे, मतलब ज्यादा विकास नहीं करता है, मतलब केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक का अभाव, अभाव मतलब एक मेन चीज गायब रहता है इसमें कोशिका में। देखिएगा तो केंद्रक क्या चीज होती है, गोल्जी उपकरण क्या चीज होती है, लाइसोसोम क्या चीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज होता है, हर एक चीज के बारे में पढ़ना है, कोशिका झिल्ली क्या चीज होती है, सारे चीज पढ़ना है, कोशिका द्रव क्या होता है, सारे चीज एक करके पढ़ेंगे, लेकिन इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको एक चीज और बता दूं कि कोशिकाओं के शरीर की अगर बात कीजिएगा तो जीव को अगर डिवाइड कीजिएगा तो कोशिका के अनुसार आप दो भाग में बांट सकते हैं, एक होता है एक कोशिकीय जीव यानी एकल जीव, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, और एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं, तो वैसा जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका हो, वैसा जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका हो, जिस सजीव की केवल एक कोशिकाओं से शरीर मिलकर के बनता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में यहाँ लिख सकते हो, हाँ इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका अमीबा, अमीबा ऐसा पैरामीशियम वगैरह भी आता है। दूसरा आप समझिए बहुकोशिकीय, पहला यहाँ है दूसरा यहाँ, तो आप लोग नीचे लिखिएगा बहुकोशिकीय ऐसे ही, बहु मने बहुत मने, बहु मने बहुत मने, ठीक है। अब देखिए हम अपना लेके आएंगे कि देखिए आप इधर समझिए, बहुकोशिकीय की अगर बात कीजिए तो बहुकोशिकीय का मतलब क्या होता है, वैसा जीव जिसमें बहुत सारे कोशिकाओं से बना हो, तो वैसी जीव, वैसी हाँ जीव जिसमें बहुत सारे कोशिका वो आपका क्या कहलाता है, बहुकोशिकीय जीव। और इसका बेस्ट एग्जांपल में हम लोग मनुष्य आपका क्या है, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपने क्या सीखा, सुनो कि जीवन की मौलिक इकाई क्या चीज है, तो वो आपका कोशिका है, कोशिका का इतिहास यानी कि कोशिका को बनाने वाला यानी खोजने वाला व्यक्ति कौन थे, रॉबर्ट हुक सबसे पहली बार, उसके बाद सबसे ज्यादा उन्नत जीव से देखने, उन्नत माइक्रोस्कोप से देखने वाला व्यक्ति कौन थे, लिवेनहॉक जो कि उन्नत सूक्ष्मदर्शी से देखे थे, उसके बाद फिर रॉबर्ट ब्राउन आए, पुरकिंजे आए, ये सारे साइंटिस्ट आए थे, पुरकिंजे साइंटिस्ट है,
अब यहाँ पास देखिए कि आप इसको बात कीजिए कोशिका से थोड़ा सा पहले जाइए, तो कोशिका जिससे निर्मित होता है वो जैव अणु होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सब जैव अणु है, और ये सब के सब आपका निर्जीव होता है, और जैव अणु से कोशिका बनता है जो कि आपका सजीव है, और इसी कोशिका को मौलिक इकाई बोला जाता है, और कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनता है, उत्तकाओं के मिलने से अंग बनता है, और जब बहुत सारा अंग बन जाता है तो उन सारे अंग को मिला दीजिए आपका शरीर बन जाएगा। जैसे याद कीजिए अंग तंत्र, हमारे अंदर में एक पाचन तंत्र है कि नहीं, है ना, श्वसन तंत्र भी है, परिवहन तंत्र भी है, तो ये सब तंत्र मिल करके क्या बना रहा है, शरीर बन गया। फिर आइए इधर, तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिका सबसे छोटी इकाई है, मतलब कि हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्मतम भाग क्या है, कोशिका है। कोशिका का आकार आप देखिएगा तो अनियमित तो होता है, अगर कोई आकार नहीं होता है। दूसरी बात कि कोशिका को अगर हम लोग डिवाइड करें विकास के आधार पर, तो वो आपको दो तरह का, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है कि जो केंद्रक का अभाव रखता है, मतलब कि वो ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक के गाव रहता है, वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, मतलब कि वो विकसित कोशिका आपका नहीं होगा। तीसरा, दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब कि विकसित कोशिका जिसको हमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो, मतलब उसमें जितना अंग तंत्र चाहिए, सॉरी कोशिकांग चाहिए, वो सारे कोशिकांग उसमें मौजूद होते हैं, और जटिल होते हैं। ये कोशिकाएं क्या होती है, जटिल होते हैं, मतलब बहुत इसको पेचिंदा पढ़ाई होता है, और जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में चाहिएगा तो ये सरल होते हैं, क्या होते हैं, ये सरल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने ये चीज़ जाना कि कोशिका को अगर जीव को अगर देखा जाए तो जीव को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, एक कोशिकीय जीव और एक बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जीव उन जीवों को बोला जाता है जिसमें केवल एक ही कोशिका हो। अब वो कोशिका बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका, अब एक ही वो कोशिका है उसमें, ऐसा नहीं कि बहुत सारा, शुतुरमुर्ग देखी थी आप वहाँ, तीसरे रुपया में घूर के आए थे, पता है। तो वो क्या है आपका कोशिका अमीबा, ठीक है, वो क्या होता है अमीबा, शुतुरमुर्ग के अंडा, इधर देखिए, हेलो। अब उसके बाद फिर आपका बहुकोशिकीय, ठीक है, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय वो ऐसे जीव होते हैं जिसमें एक से अधिक कोशिका मौजूद होता है। जैसे हमारे शरीर में डेली करोड़ों की संख्या में कोशिका डेड करती है और नया नया कोशिका आता है, ठीक है, और ऐसा बहुत सारा कोशिका है जिसका आकार भी बदलते रहता है। जैसे हमारे ब्लड के अंदर में जाओगे तो एक ल्यूकोसाइट होता है, उसका आकार बदलते रहता है, उस आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पास आपको क्या होता है, वैसी कोशिका, वैसी जीव जिसमें बहुत सारे कोशिका हो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय, जैसे मनुष्य, इसका कोनो आकार नहीं होता है, जैसे इस कोशिका को देखिए, इसका कोई नियमित आकार नहीं है, और इसके अंदर में बहुत सारे अंग भरल पड़ल रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिकांग। कोशिका के अंग को क्या बोला जाता है, कोशिकांग। ये कोशिकांग है और कोशिका का आकार है। तो ये आपका आज का एकदम बेसिक क्लास, और कल से हम लोग शुरू करेंगे इसका ऑपरेशन, ठीक है, और कल की क्लास आपका रहेगी एसएसटी का, इसी टाइम पर। अब इसको